एक बात बताओ, अगर तुम्हारा बेटा किसी दुश्मन से लड़ रहा हो और वहां तुम देखो कि 100 आदमी आ गया दुश्मन की तरफ का और वो तुम्हारे बेटे को मार दें, तो क्या करोगे? खट अपने बेटे को लोगे और एक चट्टा लगा दोगे उसके गाल में। दुश्मन भी अगर गलती किया तो उसको भी मार दोगे, मारने वाला तुम ही हो, तुमने ही चाटा मारा, बाप ने ही चाटा मारा है, दुश्मन को भी मारा, बेटे को भी मारा। बेटा क्या सोचेगा? मेरे पिता ने मेरी बेइज्जती कर दी, इतने लोगों के सामने मुझे गाली दे दिया, मुझे चाटा मार दिया, उसकी हर गाली लेकर मुझे भाला जैसा लगा, अंदर लगा है, चोट लगा है, उसने चाटा मारा, मेरी कितनी बेइज्जती कर दी उसने। लेकिन नहीं, दोनों चाटे में कितना अंतर है भाव का। दुश्मन को मारा गया चाटा मिटाने के लिए मारा गया है और बेटे को मारा गया चाटा बनाने के लिए मारा गया है। चाटा एक है, गाली एक है, लेकिन दोनों का भाव अलग अलग है। एक चाटा क्रिएट कर रहा है और दूसरा चाटा डिस्ट्रॉय करने के लिए मारा गया है।